हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंपनी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, एक ऐसी कंपनी का शेयर है जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स मोस्टली हर एक के घर में होंगे। काफ़ी पॉपुलर कंपनी भी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनाती है, बट उसकी कुछ मुझे नेगेटिव पॉइंट्स लगे। तो इसलिए मैं आपको उसका डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। कहीं आप उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दे बिना कुछ जाने कि इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। अगर आपने डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया तो कल के जाके कंपनी, अगर काफ़ी अच्छी कंपनी है, मैं ये बुरी नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट अगर कल को जाके आपने वीडियो नहीं देखा और इस वीडियो को देख के आप थोड़ा सा शेयर पहचाना और आपने इन्वेस्ट कर दिया और कल के जाके वो शेयर गिर गया और फिर उठ ही नहीं पा रहा वो शेयर, तो आप फिर लॉस में आप ही लोग जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर है ये, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा ताकि आपको उसके नेगेटिव पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक बार दोबारा से कि हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन अबाउट द वीडियो जो हम डेली बेसिस पर डालते आती रहे और आपको इसी तरीके से अच्छी वीडियो हम प्रोवाइड करते रहे, एज वेल एज हमारी इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारी दूसरी वीडियोज़ को जाके देखिए। उसमें काफ़ी अच्छे सारे शेयर से रिलेटेड मैंने बातें कर रखी है, आपको बता रखे हैं कौन कौन से शेयर है जो आपको फ्यूचर में करोड़पति तक बना सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में हम सीधे चलते हैं, पहले आपको रिटर्न्स दिखाना चाहता हूँ। कंपनी को 5 साल भी नहीं हुए, 4 साल ही हुए, तो 4 साल का यहाँ पर डेटा है जो आप देख रहे हैं। तो देखिए 1 वीक को छोड़ के सब जगह आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देंगे। तो पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं तो कंपनी काफ़ी अच्छी आपको नज़र आ रही है। तो पॉजिटिव रिटर्न्स, अब आ जाते हैं कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का नाम देखिए क्रॉम्पटन है, क्रॉम्पटन के LED बल्ब्स आते हैं जो आपने शायद आपके घर पे होंगे, आप यूज़ करते होंगे, एज वेल एज सीलिंग फैंस आते हैं जो आप यूज़ करते होंगे, पंप्स आते हैं जो एग्रीकल्चर में काफ़ी काम आते हैं, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है तो शायद इस कंपनी में और ग्रो आ सकता है। क्योंकि एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं रिलेट करती है कंपनी। होम अप्लाइसिस में कंपनी काम करती है, आयरन वगैरह बनाती है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो इस कंपनी की वेबसाइट को एक बार विजिट कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी कौन कौन से प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। बाकी सीलिंग फैंस भी बनाती है जो काफ़ी पॉपुलर है और प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी अच्छी है, मैं बुरी नहीं मैं कह रहा हूँ। आ जाते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न की तरफ। सीधे मैंने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन किया है। 4 साल पहले 2016 में जो कंपनी लिस्ट हुई थी, इसके यहाँ से देखिए पॉजिटिव रिटर्न्स पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने ज़्यादा रिटर्न नहीं है जितने दूसरी कंपनी ने दिया, बट फिर भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। और पेंडेमिक में जब ये कंपनी पेंडेमिक से पहले 278 गिरी थी, गिर के फिर उठी थी और देखिए काफ़ी अच्छे, अगर यहाँ से गिरने की भी बात की जाए तो लगभग 40-50% के रिटर्न शायद इस कंपनी ने आपको दिए हैं ना, दिए 55-60% के रिटर्न, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल 187.83 बिलियन रुपीज़ का है। तो ये कंपनी का चार्ट पैटर्न हो गया जो कि काफ़ी अच्छा हमें नज़र आ रहा है। मैं पहले अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ फिर नेगेटिव बातें बताएंगे। तो हम बात कर लेते हैं 52 वीक लो की। तो 177 रुपीज़ पर ये शेयर आया था मार्च में 2020 में मार्च में जब गिरा था ये पेंडेमिक की वजह से पूरा मार्केट। 52 वीक हाई की बात की जाए 329, जो कि लगभग कह सकते हैं कि डबल के लगभग पैसे कर दिया आपके, 100% के रिटर्न दे दिया अगर इस टाइम पे किया होगा। और डिलीवरीज़ की बातें की जाए तो 78% की डिलीवरीज़ कल के मुहूर्त ट्रेडिंग में यहाँ पर उठाई गई है। तो क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो पूरी इस कंपनी की जानकारी तो लेते नहीं है, वो सीधे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि वो बीच में फंस जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर देख के कि 78% उठाई है डिलीवरीज, तो कहीं ना कहीं कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है और बिना कुछ जाने इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बट पहले इससे पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी नज़र आएगी इसकी। रिजर्व्स देखिए, क्या रिजर्व्स है, लगभग कंटिन्यूसली 103, 392, 664, 852 और लगभग 1200 करोड़ रुपये के रिजर्व्स इस कंपनी के पास अभी हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात की जाए तो देखिए बोरिंग कंटिन्यूसली कम करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ये और प्लस पॉइंट है। 507 से 179 इसने बोरिंग कम कर ली है। शॉर्ट टर्म बोरिंग कोई भी नहीं है, ज़ीरो। अगर बात की जाए करंट इन्वेस्टमेंट की तो देखिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली हर साल पिछले चार साल से बढ़ाते जा रहे हैं, लगभग 539.58 कि ये इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है। एज वेल एज कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो कैश इनका घटता हुआ नज़र आ रहा है, बट फिर भी लगभग 47 करोड़ रुपए के कैश इनके पास है। तो बैलेंस शीट की बात की जाए तो काफ़ी
अच्छी, बोराइन को छोड़ के सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, बट फिर भी 4 out of 5 हम, मैं इसे देना चाहूँगा स्टार्स। तो काफ़ी अच्छी इनकी बैलेंस शीट भी नज़र आती है। अब आ जाते हैं सीधे पॉइंट्स पे। तो देखिए पॉइंट क्या है, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इनका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ना, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इस कंपनी का आपको चिट्ठा पट्ठा समझ में आएगा कि क्या है। तो देखिए 2018 दिसंबर में 34.37% के हिस्सेदारी थी। फिर 2019 में, मतलब आज 8 महीने 9 महीने बाद, लगभग 34.36, सेम, ओके, लगभग सेम ही है। और फिर उसके एक मतलब 3 महीने बाद ही कंपनी का देखिए क्या हो गया, सीधे 8% की हिस्सेदारी कम, 26.2। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी, यहाँ पर उन 2 सितंबर 2019 से दिसंबर 2019, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर, ओके, पैंडामिक से पहले कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं लगभग 8% की हिस्सेदारी यहाँ पर बेची है। और देख, और फिर दूसरी चीज़ देख, तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हुई। दूसरी चीज़ क्या हो गया, प्लेजिंग। तो प्लेजिंग देखते हैं, तो 2018 में प्लेजिंग कितनी थी, जब शेयर ज़्यादा थे उनके पास तो प्लेजिंग कम थी 48, ओके 48, बट जैसे ही शेयर उन्होंने बेच दिए 8% की हिस्सेदारी, तो प्लेजिंग की बात की जाए तो लगभग 64.06 हुई। और अभी मार्च की बात की जाए तो लगभग 65 या 66 कह सकते हैं, 66% शेयर जो इन प्रमोटर्स के पास है उसका 66% शेयर उन्होंने प्लेस कर रखा है, गिरवी कर रखा है। और किसी भी, हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि 25% तक, 25 भी अच्छा नहीं होता, बट 25% बताया जाता है कि 25% तक प्लेजिंग है तो ठीक है, चल जाएगा, एक बार चला लेंगे काम। बट 25 से ऊपर चली गई तो मतलब कंपनी का डावाडोल होना शुरू है। तो हमें तो होता है कि हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए। प्लेजिंग की इसमें 65% है, जो कि बहुत बेकार बात है, ओके, कंपनी के लिए। तो यहाँ पर एक नेगेटिविटी आ जाती है शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स में, या शेयर जो खरीदते हैं, कि इन कहीं कल को कंपनी डूब ना जाए। और डूब गई क्योंकि बैंक के पास है, बैंक तो अपना इस शेयर बेच बाच के निकल जाएगी, और शेयर डूबेगा वो अलग। तो एक तो ये बात हो गई। फॉरेन इन्वेस्टर देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है इसमें, 30.57। फॉरेन इन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लगभग 0.83। इंश्योरेंस कंपनी कोई है नहीं। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी अगर देखेंगे तो पिछले दो दो साल में देखिए बढ़ती हुई नज़र आ रही है हमें। तो पहले 13 थी, और अभी कितना, 25% की हिस्सेदारी हमें नज़र आ रही है। तो ये शेयर किसने खरीदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किसने शेयर बेचे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया पूरा। और एक पॉजिटिव बात और बता देता हूँ कंपनी के बारे में, कि अभी के जो Q2 के रिजल्ट थे, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आए थे। लगभग 42 करोड़ रुपीज़ का, यहाँ पर जैसे कि न्यूज़ में दिखा रखा है, 42 करोड़ रुपीज़ का इन्हें प्रॉफिट हुआ है, लगभग 28% का लास्ट क्वार्टर से शायद, ओके। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इंटरिम डिविडेंड भी इन्होंने शायद 3 रुपये का यहाँ पर दिया है। तो अभी आ जाते हैं किसने बेचे हैं शेयर, किसने खरीदे हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 नवंबर की ही बात का ये आर्टिकल है। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कितने, जो इनके दो कंपनीज है, मैकरीच इन्वेस्टमेंट पीटी लिमिटेड एंड एमाल्फी आको लिमिटेड, ओके, इन्होंने कितने ये शेयर बेचे हैं, कितने, 1631 करोड़ रुपए के इन्होंने शेयर यहाँ पर बेचे। और खरीदे किसने हैं तो वो देख लेते हैं। तो खरीदे अच्छी अच्छी कंपनीज ने हैं, तो इस अच्छी कंपनी ने खरीदे तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शायद इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, इतने बड़े बड़े मैनेजमेंट ने खरीद ली है, तो शायद यहाँ पर एक पॉजिटिविटी हो सकती है। तो देखिए किसने खरीदा है, 45 लाख शेयर खरीदे किसने, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। HDFC तो का तो नाम पॉपुलर शेयर बाजार में है ही, ओके, इससे अच्छे रिटर्न HDFC से कोई नहीं देता। तो 45 लाख इधर खरीदे हैं इन्होंने। तो ए और एक दूसरी कंपनी है, सोसिएट जनरल, ओके, कितना, 37.67 लाख शेयर इन्होंने खरीदे हैं। एज वेल एज SBI ने कितने खरीदे हैं, 1.01 करोड़। तो इन्होंने इतने सारे शेयर इन बड़ी बड़ी SBI म्यूचुअल फंड्स ने खरीदे हैं, ओके, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदे, HDFC और सोसाइट जनरल ने खरीदे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर इन लोगों ने खरीदे हैं तो इनकी स्टडी तो बहुत अपर लेवल की होती है। ये कंपनी के अंदर घुस जाते हैं और फिर स्टडी करते हैं, फिर खरीदते हैं, और वो भी एक दो शेयर हमारी तरह तो खरीदते नहीं है, ये लैक्स ऑफ, 45 लैक्स, 1 करोड़, 37.67 लाख, तो इस तरीके के शेयर खरीदा। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी वाली बात है कि कंपनी के ऊपर प्लेजिंग जरूर है, ओके, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम हुई है, बट अच्छी अच्छी कंपनीज ने ये शेयर खरीद लिए, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, ओके, कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, जिस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, वो काफ़ी अच्छे और बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो शायद मैं डिस्क्लेम, कंपनी के जो शेयर है, ओके, बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा सकता है, कंपनी रिजल्ट्स भी अच्छे पेश कर रही है, बट जो दूसरी नेगेटिविटी बात है वो है केवल प्लेजिंग।
यहाँ पर प्लेजिंग से परेशानी है और किसी चीज़ से परेशानी नहीं है, क्योंकि रिटायर्ड इन्वेस्टर यहाँ पर पूरी स्टडी करते नहीं है और सीधे देखते हैं, बताते हैं कि ये मुहूर्त शेयर है, ये है, तो कंपनी न्यूज़ में बताते हैं तो वो खरीद लेते हैं बिना कुछ जाने पहचाने। तो यही डिस्क्लेमर था, क्योंकि 77-78% की डिलीवरीज कल की डेट में उठाई गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार जागरूक कर दिया जाए इस वीडियो को लेकर। तो ये नॉलेज एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो थी, और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, एज वेल एज हमारी इस वीडियो को जो हम मैंने अभी बताई है। अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे इस वीडियो को सब जगह फैला दीजिएगा अपनी सोशल मीडियाज़ पे, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि इसमें, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी इस वीडियो को यूट्यूब और प्रमोट करे, खुद ही आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिएगा, और हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।